आप सेफ शॉप में हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अक्सर आपको ऐसी समस्या तो आती रहती होंगी, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आपकी समस्या इस तरह की हो सकती है, आपका सामान अगर रिटर्न चला जाता है, आपका पैकेट कहाँ पर है इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, पैन कार्ड अपडेट से संबंधित, अगर आपका मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना है इससे संबंधित, ECS करवाना है इससे संबंधित, चेक आए जाए रिटर्न क्या होगा इससे संबंधित जानकारी, अगर आपने कोई पहले ऑर्डर कर दिया हो और अगर आप दोबारा कोई और ऑर्डर करना चाहते हो तो उसको पहले वाले को डिलीट कैसे करवाएं, मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करवाएं, पेमेंट गेटवे से संबंधित अगर डबल पेमेंट हो जाता है, कार्ड पेमेंट हो जाता है या फिर पेमेंट होने के बाद में ID ग्रीन नहीं होती है, तो ऐसी खास कॉन्टैक्ट आपकी जानकारी लेकर आए हैं। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो चलिए हम आपको बता देते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं ये कॉन्टैक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक पर जाके इन सारी कॉन्टैक्ट ईमेल को देख सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर जाइए realinformation.co.in पर, इस वेबसाइट पर जाइए और उस वेबसाइट में आप सर्च कीजिए सेफ शॉप इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट ईमेल्स, इस तरह से आप सर्च कीजिए तो तब भी मिल सकता है। यह सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो लिंक है मैं इस पर यहाँ पर कॉपी करता हूँ अपने कंप्यूटर पर। जैसे मैंने इस लिंक को कॉपी किया और यहाँ पर सर्च किया तो सर्च करने के बाद में देखते हैं ये आ जाता है हमारे सामने इस तरह का पेज, और इस पेज में सारी ये कॉन्टैक्ट्स जो हम देख रहे थे सभी के सभी आपको दिख जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। और इस लिंक को आप कहीं पर भी सेव करके रख लीजिए ताकि फ्यूचर में, इन फ्यूचर आप कभी भी इसको देख सकते हैं, कभी भी इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, यह जानकारी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जानकारी प्रोडक्ट से संबंधित, चेक से, ECS, पैन कार्ड डिटेल, ऑर्डर पेमेंट, मोबाइल नंबर अपडेट, नाम सुधार इत्यादि। तो हमें करना क्या है ये देखिए, जैसे कि आप इम्पोर्टेंट जो काम है उनसे संबंधित देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए अच्छे से दिख जाए, ये मैंने बड़ा कर लिया थोड़ा सा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपने ऑर्डर किया था और आया कोरियर के द्वारा और वापस चला गया, तो उसे हमें वापस मंगवाने हैं तो हमें इस मेल पर हमें मेल करना होगा। मेल का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें घबराइए नहीं कि हमें मेल कैसे करना है, कुछ एग्जांपल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो दिए गए हैं कैसे हमें उसमें मेल करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ। सिंपल करना है कि गुड मॉर्निंग सर मैम, आप मेरी ये ID है, मैंने इस ID से प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और ये वापस चला गया है, कृपया दोबारा से भेजने की कष्ट करें, कृपया करें, थैंक यू, ऐसे आप लिखेंगे सिंपल, तो इस मेल पे आप भेज दीजिए, इसके बाद हम वो आपका मेल देखेंगे और फिर से आपको रिप्लाई करके यहाँ पर आपका पैकेज भेजेंगे। या कोरियर से अगर आपको डिटेल्स जाननी है कि मेरा इस तारीख को ये ID है, ये प्रोडक्ट आ रहा था, कहाँ पर है, क्या स्टेटस है, तो भी आप यहाँ पर मेल में भेज कर उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और खैर इसका मोबाइल में एक मतलब आप खुद भी देख सकते हैं, बिना मेल भेजे भी देख सकते हैं, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि अपना सेफ शॉप प्रो से भी हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ है। अगर आपको पैकेट में कोई डिफेक्ट आ गया है तब भी आप इसमें मेल करके उनको बता सकते हैं कि मेरे इसमें ये डिफेक्ट आ गया है और आप वो प्रोडक्ट उनका वापस भी भेज सकते हैं। पैन कार्ड से संबंधित अपडेट, अगर आपको पैन कार्ड अपडेट करवाना है तो ये उसका मेल है, और अगर आपको पैन नंबर सही करवाना है तब भी उसका मेल है, कैसे मेल भेजना है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, मतलब नीचे है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें कैसे भेजना है, पर्टिकुलर के लिए कैसे भेजना है। ECS कैसे करवाना है उसका भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ECS मतलब अगर आप पेमेंट चेक से ना लेके सीधे अपने बैंक खाते में लें तो वो ECS होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। चेक से संबंधित, अगर आपका चेक आता है चला गया, आपको नहीं मिलता या कुछ आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी होता है तो आप जानकारी देख लीजिए, इससे संबंधित वही फॉर्मेट है भेजने का, आपको जैसे आप अनुसार लिखते हैं आपको वैसे भेजना है। ये है ऑर्डर डिलीट, यानी आपने अगर पहले कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया था और अब आपको दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप इस मेल पर, यानी इस मेल पर आप मेल कीजिए कि मेरे जो ऑर्डर था पहले का मुझे अब दूसरा ऑर्डर करना है, आप उसे इस ID से डिलीट कर दीजिए तो आपका वो पुराना डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसको नया ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से संबंधित देखिए, अभी आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है, अगर आपका अपडेट है करवाना है तो आप इस मेल पर, ये दोनों लगभग एक ही मेल है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, ऐसे कई मेल है जो मिलते जुलते मिलेंगे, तो आप इस पे भी अपना मोबाइल नंबर जो भी आपको करवाना है, अगर आपको सही करवाना है तो आप इस मेल पर कहिए, और अगर आपको अपडेट करवाना है तब भी आप इस मेल पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कई लोग इसमें परेशान हो रहे हैं
कि जो आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते कई बार क्या होता है, कोई लोग दो बार पेमेंट कर देते हैं, तीन बार पेमेंट करते हैं और दो तीन बार पैसा कट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हम देख सकते हैं अपने जो अपना नेट बैंकिंग है या कार्ड पेमेंट है, जो भी है, हमें पता चलेगा कि हमने दो बार पेमेंट कर दिया है, तो उनको हम मेल भेज सकते हैं। मेल में आपको क्या भेजना होगा, जैसे आपको पूरी डिटेल्स भेजनी है कि मैंने इस टाइम को ये पेमेंट किया था, इस टाइम को ये पेमेंट किया था, और ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको उनको मेल करनी होगी कि इस टाइम पे मैंने ये किया था, इस टाइम पे ये किया था, और ट्रांजैक्शन आईडी और कुछ स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया था वो भेज दीजिए। और आप उनसे इस तरह से लिख दीजिए कि मेरा डबल पेमेंट हो गया है, तो वो आपका, और आपको अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा, ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी, और आपको वो अपना पेमेंट रिफंड कर देंगे। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपकी आईडी ग्रीन नहीं हुई है, तब भी आप इस मेल पर उनको भेज सकते हैं कि मैंने इस टाइम पे ये आईडी है मेरी, ये मैंने ट्रांजैक्शन किया था, लेकिन अभी भी आईडी ग्रीन नहीं हुई है। तो ये सारी जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस जो वेबसाइट का लिंक है, आप इसको कॉपी करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी इसको अपने, जब भी आपको इन मेल की ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर स्टोर रहेंगे, तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ऐसे अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाह रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लिंक को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये अच्छी खास जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।